Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. It's the time to pay the Dagh Nahin. Sukhi? Ji. Ji, Bibi ji. मुझे पल पल की खबर चाहिए. वो कौन है, क्या करती है, साजिद के साथ कब से थी, कैसे मारा उसने मेरे शोहर को, ये सब उगलवाना है तूने. जो जो हुकम बीबी सैन. सरकार ये भी तो हो सकता है कि दुश्मनों की चाल हो कि हमारे महाफिज फंस जाए. बेबी सरकार माफ कर दे, बच्चों वाला है सरकार माफ कर. और जिनके बारे में ये आप इतने सवाल जवाब कर रहे ना, मरते वक्त उन्होंने सिर्फ एक ही बात की थी मुझसे अपनी उखड़ती हुई सांस में, मेरा खून वाहे चौधरी ने नहीं किया. मानुमा सुरमा, ओ सुरमा, जनरेटर ऑन करो, ये अंधेरा क्यों कर रखा है, कहां मर गए हो सब. सुरमा इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रहा था, ये घर में अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है. वो सरकार लाइट चली गई है. तो जनरेटर खोलो ना. जी वो डीजल खत्म हो गया जी, भिजवाया है ड्राइवर को. लिए कब्र की नींद सोए हुए हो तुम लोग. बाहर दुश्मनों का हर वक्त पहरा है हम पे, कभी भी हमला हो सकता है. तुम लोग बेफिक्र कैसे हो सकते हो. जाओ जाकर मोहल्ले में चेक करो, हमारे घर की लाइट गई है, ये पूरे मोहल्ले की लाइट गई है. ये हमारे दुश्मनों की चाल भी हो सकती है सुरमा. सरकार पूरे मोहल्ले की लाइट गई है जी. जनरेटर खोलो जाके, मुझे हर वक्त चौकन्ने दिखने चाहिए तुम सुरमा. जाओ. जी सरकार. मेरे सामने यहाँ नाव से बैठ जाओ. मुझे डर है कि हम पे कभी भी हमला हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे. मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा.
मैंने देखा कि मेरे सामने बेबे ने तुम्हें गोली मार दी। जैसा लगा जैसे कि मैं मर गई हूं। ये तो बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा है आपने। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जो बार बार जी के बार बार मरा उसको मौत से क्या खौफ है? मुझे नहीं लगता कि मुझे तकलीफ होगी। आप अपनी जान छुड़ाएं और मुझे छोड़ें वहां। छोड़ तो आऊं तुम्हें, पर मेरा जमीर इस बोझ को सह नहीं पाएगा। चले, आपके इत्मीनान के लिए मैं अपने होशो हवास में अपनी मौत की पूरी जिम्मेदारी से आपको आजाद करती हूं। काश मुर्दे भी गवाही दे सकते तो मेरी बेगुनाही की गवाही नहरीन देने जरूर आती। नहरीन? मेरी बीवी, बेबे की बेटी। बेचारी ने इस दुश्मनी की इतनी टेंशन ली कि दिमाग की शरियाने ही फट गई। और बेबी ये समझती है कि इस दुश्मनी की वजह से मैं महरीन को अस्पताल नहीं पहुंचा सका। पर हुआ क्या था? बेबे के शोहर चौधरी आफ्ता, मेरे ससुर। सरकार, सरकार वो बड़े सरकार हैं जी। चांद जैसी तो तुम हो बीबा, पर उस चांद जैसी जिसको ग्रह लगा होता है। आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी, खुद बेबस हूं। मैं नास को सौंपने जा रहा हूं। जैसे ही वो मेरी हवेली में कदम रखेगा मैं उसकी जिंदगी का चिराग बुझी। इस चांद पे दाग नहीं, चांद पे दाग नहीं। शाहिल की मोहब्बत मेरे साथ तभी तक रही जब तक उसकी नजर मेरी छोटी बहन मारूफ पर नहीं पड़ी। बस उसके बाद तो उसकी नजरें सिर्फ मारूफ का ही तवाफ करती थी। मैंने भी रोका नहीं उसे, जाने दिया बहुत आसानी से और अपने आप को पूरे तरीके से अम्मा के हवाले कर दिया। फिर वो भी दूसरी दुनिया बसाने चली गई। अब मेरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल है जिसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। सरकार, सरकार वो बड़े सरकार हैं जी इस वक्त। जी जी वो साथ में सुखी भी आई है जी। बस ये मानुमा है। तुम्हारी मौत का पैगाम। हमारी बेबे सरकार के दोस्त जी और दुश्मन मरे,
لگتا ہے بیبی سرکار کسی فون کا انتظار کر رہی ہے. ہے تو کسی کے فون کا انتظار. ایک خاص ہی فون ہے جس کے لیے بیبی سرکار خود کھڑی ہوگی. بہت خاص ہے. بہت جلد میں اپنے بیٹے کے قاتل تک پہنچ جاؤں گی. جیسے ہی وہ میری حویلی میں قدم رکھے گا میں اس کی زندگی کا چراغ بجھا دوں گی. تم نے تو مجھے تماشا بنا لیا ہے اپنے پیچھے. پہلے تم اسے بچانے کے لیے یہاں چلے آئے, مجھ سے چھوٹوں کو کبھی ہم اپنے جنت گڑھ کا پل پار کرنے لگے تم نے اس کو گھر میں رکھ دیا ہے. بابا سائیں وہ بری زنانی نہیں ہے, اچھے گھرانے کی ہے. گھرانے کی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہی ہے؟ اچھے گھرانوں کی زنانیاں کیا دوسروں کے دروں پر آ پڑتی ہیں؟ کہاں ہیں اس کے خاندان والے, اس کے اپنے آ کر بچائیں اسے؟ میری نظر میں تو وہ صرف ساجد کے ساتھ تعلقات رکھنے والی زنانی ہے اور بس. اس کی کہانی اتنی دکھی ہے کہ میں اپنا غم بھی بھول گیا. بابا سائیں مہرین کا غم مجھے مرنے کی صلاح تو نہیں دیتا. اسے دنیا والوں نے اتنا تنگ کیا ہے کہ وہ اب مر جانا چاہتی ہے. یہ کیسا انصاف ہوگا بابا سائیں کہ میں اپنے گاؤں کے فیصلے تو انصاف سے کروں اور اسے صرف میری وجہ سے مار دیا جائے. بیبے نے اپنے لوگ بھیج کر اس کے گھر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا صرف اس وجہ سے کہ میں کسی بھی طور پر بچ نہ پاؤں. میں اسے بلاتا ہوں, آپ خود سن لیں بابا سائیں. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کمزور مجبور تمہیں اس الزام سے بری کرا سکتی, اسے پناہ دے کر میں نے اس کی دشمنی مول لے لی ہے اور یہاں پاگلوں کی جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مہناز کے ظلم سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا تمہیں؟ میں بچاؤں گی انہیں. جب پہلے تین کی نہیں ہے تو سزائیں نہیں کیوں ملے؟ تم کیا کرو گی؟ بیان دوں گی میں. تم کیا بیان دو گی؟ تمہیں تو قاتل کا نام تک نہیں معلوم. ہاں پر اتنا ضرور پتا ہے مجھے کہ قتل آپ کے بیٹے نے بھی نہیں کیا, اور اگر بیبی کے اندر تھوڑی سی بھی ممتا زندہ ہوگی نا تو مجھے پورا یقین ہے میرے الفاظ میں وہ اپنے بیٹے کی آواز ضرور سن لیں گی. ویسے ہی آپ نے بلوایا مجھے. ہاں پتر بیٹھو بیٹھو. میں نے تمہارے ساتھ کچھ طے کرنا ہے. کیا نام ہے اس زنانی کا؟ مانوما. ہاں مانوما. میں اسے لے کر کل میں کے پاس جا رہا ہوں, اسے پیش کرنے وہاں گواہی دینے. آپ کے ساتھ؟ سر میرا مطلب ہم ساتھ جا رہے ہیں نا؟ نہیں پوتر, میں اکیلے ہی اس کو لے کر جاؤں. تم کل واپس حویلی جا رہے ہو. بابا سائیں اگر وہ
मेरे हक में गवाही दे रही है तो मैं क्यों ना चलूं? सिर्फ गवाही नहीं देने, मैं उसे महनाज को सौंपने जा रहा हूं। मानुमा नाम है मेरा। मानुमा मतलब चांद जैसी। चांद जैसी तो तुम हो बीबा, पर उस चांद जैसी जिसको ग्रह लगा होता है। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं सुखी हूं, नाजनीन बीबी की खास खिदमत गुजार। सुना है तुम कोई अच्छे काम नहीं करती बीबा? कि धंधा वंदा नहीं करती है बाबा सिंह, कोई ऐसी जनानी नहीं है, मुझे मालूम हो गया। ऐसी लोगों ने उस पर इल्जाम लगाए हैं। क्या उसके जमान नहीं है कि वो अपने हक में बात करे? हक को बोल बोल कर हक उसके लिए नाहक बन गया बाबा सिंह। अगर मैंने किसी बुरे किरदार की जनानी को अपने पनाह में नहीं रखा। मैं नास का कोई भरोसा नहीं। इधर तुमने उसके सामने आना है, उधर उसने तुम्हें मार देना है, इसलिए सिर्फ मैं अकेला और जनानी को लेकर उसके पास जाऊंगा। ये तो बहुत खतरा है बाबा साहब। किसको खतरा है? क्या लगती है वो जनानी तुम्हारी? उसका सिर्फ इतना है कि वो वहां गवाही दे ताकि इस मुसीबत से तुम्हारी जान छूटे। बाकी वो जाने और मैं नाज। सही कह रही हैं, मैं बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं करती। गम के बदले खुशी देती हूँ, दुख के बदले सुख देती हूँ, जुदाई के बदले साथ देती हूँ। अच्छे काम थोड़ी होते ही है। अब दुनिया इसको जो चाहे नाम दे दे। इतने भी भोली नहीं लगती बीबा, यहाँ तक पहुँच गई, वो भी वह सरकार के हवाले से। ये इज्जत ये मुकाम ऐसे नहीं मिलता बीबा। क्या जादू कर दिया तुमने वह सरकार पर कि उन्होंने बेबे सैन से भी जान का सौदा कर लिया और अपनी प्यारी बहन को भी नाराज कर दिया बीबा, वो भी तुम्हारे लिए। ये तो दिल का मामला लगता है या फिर मजे का बीबा? मेरी वजह से इसकी जान चली जाएगी, जिसकी जान बचाने के लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की है। नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा साईं, ये क्यों कर रहे हैं आप? जो मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है, मैं कैसे उसे बेबे के सुपुर्द करके बैठ जाऊं? वहां जहां पहली गलती की सजा ही मौत है, नहीं, मैं किसी मासूम की मौत का पछतावा लेकर नहीं जी सकता। वैसे बीबा, लोग तो जन्नतगढ़ में सरकार को मनहूस कहते हैं, बीबी आ जाने वाला कहते हैं। अब तो जे कोई अपनी बेटी से बेजार हो तो सरकार से शादी करेगा, पर हम इन बातों को नहीं मानते बीबा। हम तो सरकार के मुलाजम है, नौकर है, गुलाम है जी उनके। क्या कर रही हो सुखी? वो सरकार, मैं तो इनका दिल बिला रही थी जी, इनकी खिदमत कर रही थी। आला अंजोल। आला जी।
हेलो सलाम बीबी सैन बीबी सैन उन सुनानी कमरे विच गए हैं जी हुने हुने हाँ इकले हेलो हेलो बीबा तुमने बाबा साईं के सामने क्यों कहा कि तुम बेबे के सामने पेश होगी तो और क्या कहती आपकी लंबी जिंदगी के लिए मेरी जान की नजरानी की जरूरत थी पीछे तो नहीं हट सकती थी ना मैं तुम्हें अपनी जान बचाने की खातिर यहाँ नहीं लाया था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेबे से बचाना चाहता था तुम वो नहीं हो मानूमा जो दुनिया वालों के लिए बन गई हो बाबा साईं तुम्हें दुनिया वालों की नजर से देख रहे हैं पर मैं नहीं आपके बाबा ठीक कह रहे हैं मेरी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं है वाह मैं जीऊं या मरूं किसी को याद भी नहीं रहेगा अलबत्ता आपकी बहुत इज्जत है आपके प्यारों की नजर बहुत मर्तबा है और अगर मेरी जान के बदले आपकी जान बच सकती है तो मुझे अपनी मौत का भी अफसोस नहीं मालूमा बात को समझने की कोशिश करो मैं कोई और राह निकालूंगा कोई राह नहीं निकल सकती और आपने जो मुझे इज्जत मर्तबा दिया मेरे लिए वो काफी है और इधर ठीक है और तुम्हें मेरे हाथों मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं सुबह का सूरज अब जन्नत गढ़ में देखना आ गया मेरे हाथ में चौधरी अब्दुल वाहिद मुजरिम बनकर आ गया अकबर अब कैसे बचाएगा अपने बेटे को जब ना रहेगा बयान ना ही उसका आसरा गैबात जी बेबी सरकार इस्तकबाल की तैयारियां करो मेरा सगा दुश्मन आ रहा है सगा दुश्मन क्या हुआ उस्ताद मरवा दिया बेबी ने जब मरने वाला तेरा नाम लेने से पहले ही मर गया तो वो औरत अपने आप से तो तेरा नाम लेने से रही हमारी बातें सुन रही है ताकि ये राज की बातें तू बेबे सरकार को जाके बता सके इस चांद पे दाग नहीं पे दाग नहीं मेरा बाजू निकल के तेरे हाथ में आ जाना उस्ताद और क्यों खींचा तानी शुरू कर दिया तूने तेरा तो फायदा ही सब में वो क्या कहते हैं ना बांस रहा ना बांसुरी वाह उस्ताद बता बता क्या फायदा हुआ मेरा वाह चौधरी ने खुद बेबे को फोन किया है कि वो अकेला उस जनानी को लेकर आ रहा है अगर उस जनानी ने मेरा नाम ले दिया ना तो मेरे सारे किए कराए पर पानी नहीं मेरा खून फैल जाए उस्ताद उसे तेरा नाम नहीं पता जब मरने वाला तेरा नाम लेने से पहले ही मर गया तो वो औरत अपने आप से तो तेरा नाम लेने से रही कौन सा तुझे जानती है उस्ताद मुझे डर लग रहा है आज कुछ ना कुछ होने वाला है
ना उस्ताद ना, तू कैसे डर सकता है? तो बड़े बड़े कवर कर दिए उस्ताद, तू फिक्र ना कर, आज बेबे किसी की रुदाद नहीं सुनेगी। जब वो औरत बेबे के सामने आएगी तो तुझे सिर्फ एक ही उम्मीद को मिलेगी, गोली की, और वो औरत वहीं ढेर। साईं वो हाँ सुरमा और जानी को भी हमें जन्नतगढ़ के लिए निकलना है। महनाज को इंतजार नहीं कराना, देर नहीं होनी चाहिए। देर तो हो गई साईं, देर हो गई। वाहिद कहाँ है? सरकार तो ऊंस नानी को लेकर बेबे सैड की हवेली चले गए। बाकी वो तरफ याद है ना, याद है ना हमारा बाप कैसे तड़प तड़प कर अपनी आंखों में जिंदगी की भीख मांगते मर गया था, लेकिन हमारी मां की आंखों में प्यार की अंधी कलीस पट्टी बंधी हुई थी। उस दिन सिर्फ हमारे बाप का कत्ल नहीं हुआ था मस्तो, उस दिन तू और मैं भी मर गए थे। जिंदा बचा था तो सिर्फ हमारा इंतकाम, बस सिर्फ। तुमने उसको जाने ही क्यों दिया? तुम जानते थे कि मैंने उसके जाना है। सरकार को बहुत जल्दी थी साईं, वो तो पहले ये सोच चुके थे। अच्छा जाओ जल्दी से गाड़ी निकाल। जो हुक्म साईं। मैं कब से तुझे तलाश कर रहा हूं, आवाजें दे रहा हूं अम्मा अम्मा अम्मा, और तू यहां छुपी हमारी बातें सुन रही है ताकि ये राज की बातें तू बेबे सरकार को जाके बता सके। ये बात छोड़ो, मुझे तुझे पहले छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब तू कमरे में कैद रहेगी और भूखी मरेगी वहां पे। कोई तेरा पूछेगा तो कह दूंगा दरगाह गई है। अबान ने कोई नहीं पूछेगा तेरा यहाँ तक कि तेरी प्यारी बेबे सरकार। चुप, हमारा छोड़ दे, छोड़ मुझे, छोड़। लाली कहाँ है? तू बोल क्यों नहीं रहा? लाली! अम्मा मन्नत मांगने के लिए मजार पे आपके लिए खैर की दुआ करेंगे। अब कैसी खैर की दुआ मनी लाली, अब कैसी मन्नत? बेबे तो लुट चुकी, बस कुछ हिसाब किताब करना बाकी है।
अकेले भेज दिया, बाप नहीं आएगा? मैं बाबा साई के बगैर भी यहाँ आने की हिम्मत रखता हूँ। डरते नहीं हो? मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। पहरेदार नहीं लाया क्या? मैं यहाँ अकेला आया हूँ एक गवाही लेकर। इसकी गवाही? इस जनानी की? एक जनानी की गवाही की क्या अहमियत हो सकती है? अफसोस, सद अफसोस, तुम इसकी गवाही में जिंदगी तलाश कर रहे हो। क्योंकि मेरी गवाही में इनकी जिंदगी है। ओ अच्छा, तो तुम ही हो वो नागिन जिसने मुझे डसा। खूबसूरत हो, चुड़ैलें खूबसूरत ही हुआ करती हैं। अब बताओ किस तरह तुमने इसके साथ मिलकर मेरे बेटे को मारा, बोलो। और तुमने इसे अपने घर में रखा ताकि इसे अपने साथ लाकर झूठी गवाही दिला सको, मेरे सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सको। मैं तुम्हारी महबूबा का यकीन कर लूंगी जो झूठा सबक तुम बेवकूफ लगती हूं तुम्हें मैं? बड़ा सियाना है वाहिद चौधरी, इसे मेरे हवाले करने आ गया ताकि मैं तुझे बख्श दूं। जा, कुछ दिन और जी ले, तेरा हिसाब किताब मैं बाद में करूंगी, पहले मैं इससे निमट लूं। मैं इसे आपके हाथों यहां मरने के लिए नहीं लाया हूं बेबे, आप तक हकीकत पहुंचाने आया हूं ताकि ये खूनरेजी का सिलसिला रुक सके और इस गरीब की भी जान बख्शी हो जाए। तुम क्यों बचाना चाहते हो इसको? क्योंकि ये किसी भी तरह इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है, ये बेचारी हमारी दुश्मनी में फंस गई है। हैरत है ना, तुम दोनों ने साजिद को नहीं मारा, फिर उस रात जब साजिद तुमसे मिलने गया ठीक उसी रात उसकी लाश का इस जनानी के घर से मिलना और तुम्हारा इसे बचाना, इत्तेफाक पे इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? लो, एतराफ कर लो अपने मुजरिम होने का और इसके मुलव्वस होने का। अगर आप इस बात पर अड़ गई हैं कि साजिद को मैंने मारा है तो ठीक है, मुझे मारकर आप बदला ले ले, पर मैं ये बात कहने से बाज नहीं आऊंगा कि मैंने साजिद को नहीं मारा है। जब मेरा बेटा जिंदा नहीं रहा तो चौधरी अकबर वारिस वाला क्यों कहलाए? जब मैं लुट गई तो वो क्यों आबाद रहे? एक आखिरी मौका देती हूं, चले जाओ इस जनानी को यहां छोड़कर। गवाही मेरे सामने सुनी जाएगी। मुझे इसकी गवाही में कोई दिलचस्पी नहीं। बात गवाही सुनाने की हुई थी, बात जनानी देने की थी। मानुमा को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, आप भी नहीं बेबे। चलो, रुक जाओ, रुक जाओ। Thank you.
तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी बेबी जानी से कहना कि मेरे कत्ल में वाहिद का कोई हाथ नहीं है। एक मरते हुए आदमी से जो वादा किया था मैंने, वो निभाना था मुझे। उसका पैगाम उसकी माँ तक पहुंचा कर आपकी जो मानत थी मेरे पास बेबी, वो आपको दे चुकी हूँ मैं। बेबी सरकार, एक चलाओ ना गोली। बेबी, बेबी सरकार, एक कातिल आई है, एक कातिल जा रहा है, साजिद सरकार का कातिल, चलाओ ना गोली। बेबी, बेबी सरकार, एक गोली चला ना, बेबी। बेबी सरकार, एक कातिल, वाहिद, मेरा पोत, तुम जिंदा हो। और सही, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप देखें, आपके सामने खड़ा हुआ हूं। शुक्र है। ये तुम्हारे साथ क्यों है? इसे मैंने उसके हवाले नहीं किया। बाबा साहब, ये बात हम हवेली जाके करें। मगर ये हवेली नहीं जा सकती। बाबा साहब, ये मेरे साथ जाएगी। जहां मैं जाऊंगा ये मेरे साथ होगी, क्योंकि अगर आज मैं आपके सामने जिंदा सलामत खड़ा हूं तो उसकी वजह ये मांगमा है, और मैं किसी का खुद पर किया हुआ मांग तोड़ नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ जाओगे मेरी गाड़ी में। ओए नजीर, तो गाड़ी लेकर हवेली पहुंचो। आओ मानो। बीबी सर, दुआ करें कि वो जनानी, क्या नाम था उसका, हाँ मानुमा, वो बेबी सैन की हवेली से आए। मुझे तो लगता है कि सारे फसाद की जड़ी वो है। मानुमा नाम है उसका। हाँ बीबी सैन, गोरी चिट्टी चन रंगी है। उसने तो अपने हुसन के जादू में पहले साजिद साईं को फसाया, और अब वो हमारे से फसाना चाहती है। हाँ तोबा तोबा जी, मेरी तो जबान जल जाए बीबा। अगर वो वहाँ से बच के आ गई ना, तो सीधी सी हवेली में आएगी जी, और सरकार को तो उसके सिवा कोई नजर ही नहीं आता। मैं भाई साहब को कभी माफ नहीं करूंगी। भले आपकी बर्बादी कुदरत की तरफ से होती हो, लेकिन मेरे दुख के जिम्मेदार सिर्फ आप, सिर्फ आप। अस्सलाम वालेकुम। सुखी, सेट करवा दो, मानू अब यहीं रहे। ये यहां नहीं रहेगी। ऐसे बुरे किरदार की जनानी मेरे बाप के घर नहीं रहेगी। ये ऐसी नहीं है। तो कातिल तो है ना? कातिल नहीं है। तो कातिल की साथी तो है? ये वो भी नहीं है। ये सब आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसे अच्छी तरह जान गया। इतनी जल्दी जान गए इस जनानी को? जो करना है कर लो, जो समझना है समझ लो। ये अब यहीं रहेगी,
रोक सकती हो तो रोक कर दिखा। Joe.